महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारी यंत्रणा इसकी तैयारी में लग गई है और साथ ही मुंबई पुलिस भी इसको लेकर मुस्तैद हो गई है। हम इस वक्त मुंबई के तारदेव इलाके पर हैं, जहां पर तारदेव पुलिस स्टेशन द्वारा रूट मार्च निकाला गया है। इलेक्शन की तैयारियों का जायजा इलेक्शन कमीशन ने लिया था, तारीखों का ऐलान हो गया है और फिलहाल इस वक्त जो पुलिस है उनके द्वारा रूट मार्च निकाला जा रहा है लोगों को जन जागृति पैदा करने के लिए। लोगों में हमारे साथ हैं शोभा पिसे जी। मैम क्या कहेंगी, रूट मार्च निकाला जा रहा है, इलेक्शनों की तैयारियां हो गई हैं शुरू, सर क्या कहेंगे? इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ है और हमारे तारदेव इलाके में अभी आज हम ये पहला हमारा रूट मार्च है CISF के साथ। हम हमारे जितने भी सेंसिटिव एरियाज है और जो नॉर्मल एरियाज है वहाँ से सारी गलियों में जहाँ पे स्लम्स एरिया है नॉर्मल एरिया वहाँ से हम लोग ये रूट मार्च करेंगे, लोगों में जन जागृति करेंगे। जहाँ पर भी सेंसिटिव एरिया है, पहले कुछ इंसिडेंट कभी हुए है, उसी इलाके से हम लोग गुजरेंगे ताकि ये चुनाव एकदम भयमुक्त हो। सर और किस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा? आने वाले दिनों में हम लोग हमारे यहाँ पे भी पहले से जो बूथ है वहाँ के सब वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे, बूथ की सिक्योरिटी वहाँ की, इसके पहले जो भी कभी कुछ हुआ होगा इंसिडेंट या एरिया में जो भी इसके पहले जो क्रिमिनल्स और वो है उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई चालू किया है हमने। और एरिया हमारा एकदम फेयर इलेक्शन हो इसलिए हम लोग पूरी तैयारी। बिल्कुल, तो मुस्तैदी साफ तौर पर देखी जा सकती है और फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष इलेक्शन हो, भय मुक्त इलेक्शन हो, इसके लिए पूरा प्रयास जो है वो मुंबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक मुंबई।